still drive me crazy. Hey. So, hand की हालत अच्छी नहीं है. डार्क हो रहा है. और अगली बात है कि जो मेरी बर्न हुई स्किन है वो उतर रही है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा ढक के रखा है क्योंकि वो बहुत अजीब फील हो रही है. एक्चुअली मैं जाना चाहती हूँ विनर्स, और मैं जाना चाहती हूँ नर्सरी में प्लांट्स के लिए, और शायद मैं वॉलमार्ट भी जाऊँगी क्योंकि मुझे कोई चीज़ें चाहिए वॉलमार्ट से. अगर नॉर्मल दिन होते तो हिम्मत मेरे साथ आता, पर बिकेज कोरोना के दिन है तो वो नहीं आएगा. आज मैं बहुत देर बाद काजल लगाया है और शायद अजीब दिख रहा होगा वो. Nobody is there to see. Goodbye, Domi. आज मैं देना चाहूँगी कुछ आप मेरे दोस्तों के आंसर्स, जो आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन पर हम बात करेंगे. पर्स चेक कर लिए और रोते जाके पता चले पर्स ही नहीं था. सो आज मेरे हाथ को जले हुए हैं. सो मेरे हाथ का जो एक्सीडेंट हुआ था फायर वाला, उससे आज हो चुके हैं कितने दिन, आज पूरे 7 days हो चुके हैं. और अब मेरी स्किन काइंड ऑफ डार्क हो रही है और उतर रही है, जिसकी वजह से मैंने ये बैंडेज पहन ली है. वैसे मैंने डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि तुम बैंडेज पहन लो क्योंकि अगर इस पर चोट लगेगी तो वो अच्छा नहीं होगा, लाइक दोबारा से इस पर ज़ख्म नहीं होना चाहिए. तो मैंने तब कहा कि इट्स ओके, आई विल टेक केयर अबाउट माई सेल्फ. पर अब मुझे लगा कि नहीं यार, बैंडेज पहन लेनी चाहिए क्योंकि वो स्किन जब उतर रही है तो बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है मुझे, तो मैंने बैंडेज पहन ली है. और दूसरी गल कि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए. सो उनमें से कईयों के सुझाव अच्छे थे पर कईयों के गलत थे, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो ऐसे बिल्कुल मत करना. जैसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उठा के उस पर पानी फेंक दें. पानी कभी भी नहीं फेंकते हैं ग्रीस वाली फायर पे, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा भड़कती है और छत तक चली जाती है. लेट मी शो वन इंसिडेंट यू गाइस, जो मुझे इंटरनेट पे मिला है. देखें ऐसे हो सकता है अगर आप पानी डालें तो. और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब आपने उस पानी फेंका है, जब वो भड़की है, वो ह्यूमन की बॉडी पे चली गई है. किसी ने मुझे मैसेज करके ये भी इंसिडेंट बताया कि उसकी किसी रिश्तेदार पे ऐसे हुआ कि उसने पानी फेंक दिया और फायर उसे लग गई. पानी डालने से जो अग्रेसिव फायर होती है वो आपको भी लग सकती है. सो पानी कभी नहीं डालना है, पर आप लिड रख सकते हैं उसके ऊपर या कोई प्लेट या कुछ ऐसा कर सकते हैं. और आप यस आप उस पर टी टावल्स जो होते हैं उस पर थोड़ा सा पानी लगा के उसे रख सकते हैं, टावल फेंक सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं आप. और मुझे हंसी इसलिए आ रही है, किसी ने, मैंने जैसे वीडियो में बताया था ना कि मैंने इसी के बारे में पढ़ाई की है कि किचन में सेफ कैसे रहना है, तो कोई हंस रहा था कि इसके ऊपर भी कोई पढ़ाई होती है क्या कि किचन में सेफ कैसे रहना है, तो हमें बता दो हम भी कर लेते हैं. सो उसका आंसर है कि यस, जो कमर्शियल शेफ़ की पढ़ाई होती है उसमें 3-4 महीने यही बताया जाता है कि सेफ कैसे रहना है, हैज़र्ड से कैसे बच के रहना है. सो यस, इस पे ये पढ़ाई होती है. तो या और हाथ की हालत अब बेटर है. मैं डॉक्टर के पास गई थी, यस, और डॉक्टर ने मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया क्योंकि जो मैंने पिछला वाला था वो अराउंड 8-9 years पहले लगाया था मैंने. सो यार, डॉक्टर ने वो लगा दिया. दूसरी गल है कि उसने मुझे, डॉक्टर ने मुझे क्रीम्स भी कोई प्रिस्क्राइब की, वो लगा रही हूँ मैं. हैंड को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम जो रूमेटॉइड के लिए दवाई तुम्हारी चल रही है वो किसी भी ज़ख्म को हील करने में प्रोसेस को लंबा कर देती है. लाइक अगर मेरी दवाई नहीं चल रही होती तो मेरा ये ज़ख्म जल्दी भर जाता, पर बिकॉज मैं मेडिसिन पे हूँ तो इस ज़ख्म को भरने के लिए ज़्यादा समय लगेगा. ऑल राइट प्यारे दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं विनर्स के बाहर, और विनर्स के बाहर लाइनअप है. 10-15 बंदे लाइन जो लग गया, तो हमें जाके लाइन में लगना पड़ेगा. शीश चार दी उत्ते तो जाके लाइन जो लग जाइए, चौप पका के बिना किसी ने पूछे किछे. मास्क पालो क्योंकि यही जिंदगी है.
जाना तो जहाँ आना भाई, आना भाई। Right, दोस्तों तो मैं पहुँच चुकी हूँ नर्सरी में। इस नर्सरी का नाम है टारा और यहाँ पे मैं थोड़ा समय स्पेंड करूँगी। यहाँ से मैं लेने वाली हूँ थोड़े पौधे, अगर मुझे मिलेंगे मेरी पसंद के और प्राइजेस मेरी खुशी के होंगे। विनर से मुझे कुछ भी नहीं मिला है यार, चप्पल वही खड़ो मेरी क्योंकि आज बहुत गर्मी है। लुक एट द प्लांट्स, कितने सारे प्लांट्स हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं कि अगर ऑलरेडी ग्रोन है तो प्राइस देख लो 69.99। अगर आप बेबी से बनाएंगे तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ग्रोन लिया है तो आप उसे बचा पाएंगे, इस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। सो बहुत ज़्यादा क्राउड है आज नर्सरी में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रश होगा। सो मुझे इनडोर प्लांट्स ना ज़्यादा प्यारा, देखते हैं मैं क्या ले पाती हूँ क्या नहीं। लुक एट दिस आईवी, इंग्लिश आईवी किन्नी चंगी तरह ग्रोन आ और है 24.99। सकुलेंस लिए ही। दोस्तों सो आई एम डन और ये नर्सरी ऑलमोस्ट बढ़ने लगी हुई है। एक्चुअली गर्मी बहुत है बाहर और नर्सरी बंद होने वाली थी। पहले तो मैंने सोच लिया था कि कोई प्लांट्स नहीं लेने वाली हूँ, पर देन निक्के निक्के कितने सारे ले लो मैंने, नहीं कितने सारे नहीं 4-5। सो हैप्पी। एक्चुअली कल ना हम लोग वॉक करने के लिए गए थे और मी शुरू हो गया वॉक करते करते, इसलिए मेरे बाल बेचारे की हालत इदा होगी। सो जो कर्ली बालों वाले लोग हैं अगर वो वॉक करने के लिए जाए उनको पानी से बच के रहना पड़ता है, अगर वो पानी से नहीं बच के रहेंगे तो उनके बालों की हालत मेरे जैसी हो जाती है। सो जो अगर हम किसी इवेंट में जाएं, और बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि किसी इवेंट में गए और तो मी पे आ गया और मेरे अद्धे बाल कर्ली अद्धे बाल स्ट्रेट। सो जो दोस्त हैं जिनके बाल कर्ली हैं वो इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अब हम घर जा रहे हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को कह के आई थी कि मैं 9 बजे घर आना और कहने जो मर्जी कर। मैं सोचा हस्बैंड कहेंगे कि ओ डोंट डू दैट प्लीज कम क्विकली आई मिस यू ब्ला ब्ला ब्ला, ही इज दैट डू व्हाटएवर यू लाइक। सो की करना प्रभु घर चल रहे हैं। लेट्स सी, मुझे घर से निकले हुए हो चुके हैं कितनी देर हो गया, 3 आवर्स तो हो गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय स्टूपिडिटी और आई एम अ सुपर वूमन। सो सॉरी अबाउट दैट, अगर मैं होता ना तो तुम्हें आंच ना आंदो मोटे तो तू ही कर दे काम। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੰਬਾਕੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੜੋ ਹੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜੀ। ਛੁੱਟਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਐਡਾ ਐਡਾ, ਮੈਂ ਆਉਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ ਮੀ। ਓਕੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਾਈ ਆਊਟਫਿਟ, ਜੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕੋਸਕੋ ਐਂਡ ਵਾਲਮਾਰਟ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ? ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਪਿੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। I'm feeling so happy. Okay, kidding. I miss you. Okay, दोस्तों सो होपफुली आप मुझे देख पा रहे होंगे, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत धूप। मैं फिलहाल के लिए तो अपने लिए ठंडा पानी लेके आई हूँ, पर ठंडा पानी गर्म होने में देर नहीं लगेगी। और मैं जा रही हूँ कॉस्को क्योंकि मुझे मेरी प्रिस्क्रिप्शन पिक करनी है और कॉस्को से पिक करती हूँ मैं, मेरे डॉक्टर वहीं पर सेंड कर देती है मेरी प्रिस्क्रिप्शन। और मेरी डिजीज़ को लेके कोई भी अपडेट नहीं दी है मैंने, पर मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं इस डिजीज़ से रिलेटेड बातों के लिए कि मैं ठीक हूँ।
मैं ठीक नहीं हूँ. और मैंने सोचा है कि ये पहले से थोड़ा बेटर हूँ, वैसे पहले से बेटर हूँ नो डाउट, पर ख़त्म नहीं हुई है. मैंने सोचा है कि हम लोग मेरी डिजीज से रिलेटेड एक पूरी सीरी बना देंगे, जिसमें मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कुछ कुछ महीनों के बाद. और शुरुआत करेंगे कि डायग्नोज कैसे हुआ और मेरे सिम्टम्स क्या थे और मेरा कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है. ऐसे ऐसे हम वन बाय वन उस सीरी में ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो इस डिजीज से गुजर रहे हैं या जिनको लग रहा है कि उनकी सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं, उनको हेल्प हो जाएगी. क्योंकि हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर मैं किसी चीज़ से गुजर रही हूँ और आपकी उससे मदद हो सकती है तो हमें डेफिनेटली उस पर बात करनी चाहिए, और हम डेफिनेटली उस पर बात करेंगे. क्योंकि मैंने किसी मेरे व्लॉग में कहा था कि हम लोग हमारी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, पर बीमारी के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसी से पता चलेगा कि मैं क्या क्या फील करती हूँ, और अगर आप वो सेम चीज़ फील करते हैं तो उससे आपको हेल्प होगी. और मेरे हैंड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, थोड़ा थोड़ा दर्द है, पर स्किन आप देखिए पिंक हो चुकी है, पर उसमें मेलानिन धीरे धीरे आ रहा है. और बातों को कम करते हुए चलते हैं और बातें रास्ते में करेंगे. हेलो दोस्तों, सफ़ेदी जैसे चमक रही हूँ मैं और लेट हो गई हूँ. मैं वॉलमार्ट गई थी थोड़ी एक दो चीज़ें लेने के लिए, मुझे मिली नहीं है वो. कुछ मिल भी गया, कुछ नहीं भी मिला है. और गर्मी की वजह से मेरी हालत थोड़ी अदरी होगी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है. बट अब बाहर क्लाउडी हो चुका है, अब बारिश होगी, और जब बारिश होती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है. सभी को आता है, स्पेशली जब स्पेशली जब गर्मी के बाद बारिश पड़े, यहाँ सभी को अच्छी लगती है. सो अब मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, नींद आ रही है मुझे, और मैं जा रही हूँ घर. घर जाके उन दोनों नो देखूँगी कि की कर दिया. मुझे घर से निकले हो चुके हैं 2 घंटे, और मेरी कोशिश है कि एवरीडे व्लॉग करूँ मैं. आया नया उजाला 4 बूंदों वाला. ओके दोस्तों, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि हम लोग जो पार्क में गए जाते हैं वो कौन सी पार्क्स हैं. सो हम जाते हैं हॉल्टन कंजर्वेशन एरिया, वो कहीं पे भी हो सकता है, हॉल्टन में है, बर्लिंगटन में है. सो इदा सी कर दे रहे हैं. सो और मैंने मेरी ऑक्स केबल ऑर्डर कर दी है, कल आ जाएगी, फिर हमें नए नए गाने सुनने को मिलेंगे. पर फिलहाल पुराने गानों से काम चला है. Why like this song? Guys, look at this. बाहर बदल भाई हो चुकी है, मौसम हो चुका है बेईमान. जब आपको एक रेड लाइट मिलती है ना, तो आपको सारी रेड लाइटें मिलती है. ये है बहुत ज्ञान वाली बात. आई एम नॉट श्योर इंटरेस्टेड है आप या नहीं, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. ओके, सुबह घर पहुंच चुकी हूँ, बबल गम खा रही हूँ मैं, और मैं मम्मी के लिए रोप लेके आई हूँ. और हम वो कह रहा है कि मुझे तुम दोनों प्ले करवाओ, तो हम लोग प्ले करने वाले हैं. गाइस, हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, और हस्बैंड देखो कितने बाल बागे आ गया, बस टिक्के की कमी है, वास्तव वाले रघु बने थे तो यहाँ.
ਮੈਂ ਅੱਜ ਐ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਮਿਲੀਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਚਿੱਲਰ ਇਕੱਠੇ ਤੂੰ ਚਾਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਲਾ ਦੇ ਚਾਲ ਦੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੌਲ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਜਾਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਖਾ ਲਉ ਕੀ ਲਗੋ ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਿਕਾਲ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਐਂਡ ਡੈਡੀ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਂਗੋ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਤੋ ਹਮ ਲੇਂਗੇ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਸਵੀਟਨਡ ਲੈ ਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਅਗਰ ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਕਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅਨਸਵੀਟਨਡ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਲੈ ਲੇ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮੇ ਨਿਕਾਲ ਲੇਂਗੇ ਅਬ ਇਸਮੇ ਹਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ ਔਰ ਆਪ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂਗੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਕਰੇਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਅਬ ਇਸਕੋ ਇਸਮੇ ਮਿਕਸ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਐਡ ਕਰੇਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਿਲਕ 600 ml ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਕਾ ਪਲਪ ਐਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸਕੋ ਕਰੇਂਗੇ ਮਿਕਸ ਸੋ ਇਸਮੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਮਿਲਕ ਅਰਾਊਂਡ 200 ml ਔਰ ਇਸਕੋ ਕਰੇਂਗੇ ਮਿਕਸ ਔਰ ਇਸੇ ਭਰ ਲੇਂਗੇ ਕੁਲਫੀਓ ਮੇ ਔਰ ਇਸਕਾ ਕਲਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਯੈਲੋ ਸੋ ਇਸੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੇਂ ਦੈਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ ਇਹ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੇ ਇਸਮੇ ਹਮ ਭਰ ਲੇਂਗੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਮੀਮੀ ਖੁਸ਼ ਡੈਡੀ ਖੁਸ਼ ਐਡ ਕਰੇਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਕਸਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੇਵਰੇਟ ਮੈਂਗੋ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਕੈਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਐਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਵਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਨ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੋ ਮੱਚ ਦਿਸ ਵਾਟ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਰੈਡ ਜੂਸ ਰੈਡ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੈਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੈਸ ਯੂ ਡੂ ਲਾਈਕ ਅ ਰੈਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਨੇ ਵੀ ਕੈਨਟ ਪੁੱਟ ਡ੍ਰਿੰਕ ਰਾਈਟ ਟੁਡੇ ਆਈ ਮੇਡ ਮੈਂਗੋ ਓਕੇ ਓਕੇ Can you wait I need to clean first so kulfiyan kar di hain humne band ab isko rakhenge freezer mein ye ready hai wo jo mixture bacha hai use kisi giant mein bana lete hain aye na mimi khush ho jayega so mango kulfi ready hai himmat ko achhi lagi hai aur try it and tell me like mango like it yeah Yes? Yeah. Hello dosto, so this is cutest, sweetest editing me. Video ko bana to liya, par outro bhool gaye. So maine socha ki yahan pe aake aapko hello hai bol dete hain. I hope aapne aaj ka vlog enjoy kiya hoga. Agar aap mujhe pehli baar dekh rahe hain to please mere channel ko subscribe karna bilkul mat bhule kyunki main bahut hi acche videos banati hu aur bahut hi acche aur videos future mein aane wale hain. सब्सक्राइब करें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और कमेंट बार में बताएं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स और मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइज़ आर बी स्टे हैवी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी आई लव यू गाइज़ सो मच